हेलो गाइस, तो चलिए फिर से आप लोगों के सामने और एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये जो वीडियो आपने देखे हैं अभी, इसमें जो प्रॉब्लम है, ये मॉडल नेम, इसका जो मॉडल नेम है फेवर जेनिथ 90, हो सकता है वो 60 हो सकता है या 75 या 90। तो जेनिथ मॉडल फेवर का जो जेनिथ मॉडल है उसमें कुछ जो ये जो प्रॉब्लम आपको दिखा अभी, जो हाइड्रोलिक जिस टाइम आपका ग्लास बंद हो रहा था उस टाइम आपका जो है आवाज़ कर रहा है, नॉइज़ कर रहा है, सही एकदम जो स्मूथली बंद नहीं हो रहा है। तो इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है, उसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो ख़राब हो चुका है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। हम आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं कि कौन सा स्पेयर आपको चेंज करना है और कितना का उसका खर्चा आएगा, ठीक है? तो देख पा रहे हैं, ये जो चीज़ है ये हाइड्रोलिक है, ठीक है? यही चीज़, इसको डीसी मोटर कहा जाता है, डीसी मोटर, ठीक है? तो इसी को चेंज करना है आपको। तो इसका जो खर्चा आएगा, इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस है 950 रुपये। कितना है? 950 रुपया इसका प्राइस है, 950 रुपये इसका प्राइस है। और आपका अगर आउट ऑफ वारंटी है देन और भी आपको चार्जेस लगेगा, जो टेक्नीशियन आएगा उसका भी चार्जेस लगेगा अलग से, ठीक है, ठीक करने का। तो करीबन आपको 1500 के करीबन आपको खर्चा आएगा इसको लगा के, ठीक है? तो आपको अगर इसको परचेज करना है, इसको आपको अगर लेना है, तो आपको किसी फेवर का ऑथोराइज सर्विस सेंटर के माध्यम से ही करना होगा। उसके लिए आपको पहले, सबसे पहले आपका अगर चिमनी है उसमें अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, आपका हाइड्रोलिक खुल नहीं रहा है, बंद नहीं हो रहा है, इस प्रकार का नॉइज़ कर रहा है, देन हाइड्रोलिक का प्रॉब्लम, मतलब डीसी मोटर का प्रॉब्लम होता है। इसके साथ और एक चीज़ रहता है जो कि स्टैंड कहा जाता है, हाइड्रोलिक पाती जिसको कहा जाता है, हाइड्रोलिक स्टैंड, जिसके सहारे वो चीज़ उठता है, ठीक है? इसका जो काम है इसको उसको प्रेशर देता है और वो उठाता है इस प्रकार से, ठीक, उठाता है, होता है। तो इसी मेन यही ख़राब होता है। तो इसी को आपको अगर परचेज करना है तो सबसे पहले आपको जो चीज़ करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जो फेवर का टोल फ्री नंबर है उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करना होगा फेवर कॉल सेंटर में। वहाँ पर आपका जो मॉडल नंबर है, सीरियल नंबर है, आपका नाम एड्रेस वगैरह पूरा देना होगा, रजिस्टर करना, कंप्लेंट रजिस्टर करना होगा सबसे पहले। उसके बाद कंपनी के द्वारा 24 से 48 घंटे या फिर 72 घंटे के अंदर चेक किया जाएगा कि आपका प्रॉब्लम क्या चीज़ का है। देन वहाँ से आपको आइडेंटिफाई करके कि इस चीज़ का प्रॉब्लम है, उसके बाद जो है स्पेयर का ऑर्डर दिया जाएगा कंपनी से ही, ऑर्डर वो लोग दे देगा फेवर का ऑथराइज सर्विस सेंटर से, वो लोग कर देगा। उसके बाद जब आएगा तब आपका स्पेयर वही लोग लगा देगा, ठीक है? तो देखिए सामने से इसे देख लीजिए, इस प्रकार ये मॉडल लिखा रहता है। देखिए इसमें डेट भी लिखा गया है, 2022 दिसंबर 15 तारीख को इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग हुआ था। और डीसी 12 वोल्ट का ये है, मॉडल जो है TK370, और बाकी और कहीं पर कुछ भी लिखा नहीं है। तो यही है जेनिथ का, जेनिथ मॉडल का हाइड्रोलिक। आपको अगर और भी कहीं इंक्लाइंड चिमनी जैसे होता है, ब्लिस मॉडल, एपेक्स मॉडल है, और भी बहुत सारा मॉडल है इंक्लाइंड में, वो सब में भी आपको अगर हाइड्रोलिक का प्रॉब्लम है देन आपको उसका भी अलग से आपको हाइड्रोलिक इस प्रकार जो है इसी प्रकार सेम टू सेम होगा, उसका अलग होगा, ठीक है? करीबन 1500 के करीबन आपका जो है खर्चा आ जाएगा ये जो स्पेयर आप लगाएंगे। सिर्फ यही नहीं, आपका अगर ग्लास टूट गया है और भी बहुत सारा स्पेयर, जैसे कि सर्किट आपका ख़राब हो गया चिमनी में, ऐसा ही इसी प्रकार का सभी डिटेल्स इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे 500+ वीडियो दिया गया, तो आपको अगर ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल नोटिफिकेशन उसको दबा लीजिए, फिर आपको आगे भी इसी प्रकार का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।